बाहर आपने फुटेजेस, अब तो मरियम नवाज साहबा ने भी बहुत सारी फुटेजेस शेयर की हैं, जिसमें हजारों लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं और वो अंदर जाने के लिए जो है इजाजत मांग रहे हैं, पुलिस वाले दरवाजे बंद करके बैठे हैं और वो पोलिंग जो है वो करने की इजाजत नहीं दे रहे। वहां पर जहां पोलिंग हुई ही नहीं, उसके नतीज को तकसलीम नहीं किया जा सकता, जहां लोगों को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने की जो है वो हक ही नहीं दिया गया, वहां के रिजल्ट्स को कैसे जो है वो माना जा सकता है। और फिर मैं फरदौस आशिक अवान से और पंजाब हुकूमत से ये सवाल करना चाहती हूँ, अब चार दिन हो गए इस इलेक्शन को हुए हुए, जिन लोगों ने फायरिंग की, जो फुटेजेस के अंदर डस्का शहर के अंदर दंदना रहे थे, उनमें से कौन पकड़ा गया? अभी तक कोई एक बंदा ये पकड़ने में नाकाम है, जिसका जवाब, इसका जवाब मैं बताती हूं कि क्यों। इसलिए क्योंकि ये इनके अपने लोग थे। अगर खुदा न खास्ता उसमें से नून लीग के बड़े पुराने किसी रिश्तेदारी का कोई ताल्लुक निकलता होता, अभी तक वो लोग जो है वो फांसी चढ़ गए होते। क्योंकि ये अपनी रियासती गुंडे थे, ये टाइगर फोर्स के उस्मान डार के लाए हुए टाइगर फोर्स के गुंडे थे, जिनको दहशत फैलाने के लिए डस्का के अंदर प्लांट किया गया था। वो लड़कों को इसीलिए आज तक जो है वो नहीं पकड़ा गया, आज तक कोई एक बंदा जो है वो इस मामले में अरेस्ट नहीं हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ, रियासत कहाँ थी? इलेक्शन कमीशन के आरओ जो है हमारे सामने, हम खुद वहां मौजूद थे, आरओ जो है वो बेचारा बिलकता रहा, कभी चीफ सेक्रेटरी को फोन कर रहा है, कभी वो डीआईजी को फोन कर रहा है, कभी आईजी को फोन कर रहा है, उनका फोन सुनने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत पंजाब इंतजामिया थी और हुकूमत पंजाब ने ये जिम्मेदारी ली थी कि वो इस हलके में और वजीराबाद में पुरअमन इलेक्शन कराएगी, जिसमें वो खुद जानबूझकर नाकाम हुई, जानबूझकर नाकाम की हुई पंजाब हुकूमत, ताकि इस इलेक्शन को जीता जा सके। वोट चोर, एक दफा का वोट चोर हमेशा का वोट चोर होता है। इनके सारी हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, जब वो आके बात करते हैं, अपने गिरबान में झांकना भूल जाते हैं कि हम नहीं जानते 2018 के इलेक्शन में आपने क्या किया। ये जो आपको लत लगी है ना वोट चोरी की, ये अब नहीं चलेगी। अवाम को अब पता चल गया है कि आप वोट चोर हैं, आप कैसे वोट चोरी करते हैं, अब वोट चोरी की इजाजत आपको नहीं देंगे। वो ये इलेक्शन हो, और अब बल्दियाती इलेक्शन की भी जो है वो बाजगश्त सुनाई दे रही है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहती है। इस हुकूमत पंजाब जो वोट चोरी के जरिए आई है, ये हुकूमत पंजाब जो वोट चोरों के जरिए बनी है। और आज सेनेट के इलेक्शन में दो चीजें हैं, आपने सुना है कि जहांगीर तरीन साहब जो है उनको दोबारा एंट्री हो गई है, उनको दोबारा जो है उनसे उनको बुलाया गया है, और एक हसीन इत्तफाक है कि चीनी दोबारा 100 रुपए की हो गई है। इसमें मैं नहीं समझती कि किसी को समझ नहीं आ रहा, या आप समझ नहीं सकते कि जहांगीर तरीन को जो है वो लाने का आखिर मुआवजा तो देना था, और चीनी को दोबारा सेंचुरी क्रॉस करनी थी। आज इमरान खान को नजर नहीं आ रहा कि चीनी जो है वो 100 रुपए पर चली गई, और साफ चली, शफाफ चली जो है उसके दो कारनामे जो है वो मैं जरूर इस मौके पर आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमारी मोहतरम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है, उनकी बेटी को, डॉक्टर आयशा को, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक नया शोबा बनाया जाता है। नए शोबे में किसी और कोई कैंडिडेट जो है वो सूटेबल नहीं होता, और मोहतरमा को रेगुलर डायरेक्ट ग्रेड 19 की नौकरी दे दी जाती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या जो इतने इतने काबिल डॉक्टर, जिनकी वालदा का नाम डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं है, जिनके जिनकी जिनका खातून अव्वल की जो है वो घराने से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन डॉक्टर आयशा साहिबा जो है उनके लिए नया डिपार्टमेंट बनाया जाता है। और मैंने अभी देखा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की एक्सप्लेनेशन, उन्होंने कहा कि पूछें, ये तो आप देखें ना केई के बोर्ड से पूछें। डॉक्टर साहिबा, केई के बोर्ड की मेम्बर आप भी हैं, और आप एक जो है हुकूमत पंजाब की वजीर सेहत हैं, और ये बोर्ड आपके अंडर काम करता है, आप बोर्ड की मीटिंग्स में भी मौजूद होती हैं, और आपकी बेटी को इस तरह से डायरेक्ट ग्रेड 19 में भर्ती करे जाने से, जो बाकी कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, जो किसी बड़े घर से ताल्लुक नहीं रखते लेकिन बहुत कॉम्पिटेंट हैं, वो जो है वो अपनी डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, सिर्फ जो है वो डायरेक्ट इनके लिए ये फैसिलिटेशन होती है। और दूसरा एक तमाशा हुआ, एक खातून है मरियम रियाज बट्टू साहिबा, उनको HEC के अंदर जो है वो 8 लाख रुपया मुहैया तौर पर, मैंने सुना है उनकी जो है वो तनख्वाह फिक्स की गई है, और वो HEC के अंदर अपॉइंट कर दी गई हैं, और
और ये भी एक इत्तफाक होगा यकीनन कि उनका ताल्लुक जो है वो खातून अव्वल से है, वो खातून अव्वल की छोटी बहन है। ये क्या है, कभी जरताज गुल की बहन जो है वो डायरेक्टली अपॉइंट कर दी जाती है नट्टा के अंदर, उनको पूछने वाला कोई नहीं। ये जो अंधा अपने बीच में रेवड़ियां बांट रहा है, आपने पाकिस्तान के पंजाब के लोगों को ये ख्वाब दिखाया था कि मेरिट पे नौकरियां होंगी, आपने लोगों को नौजवानों को ये ख्वाब दिखाए थे कि हर एक को उसके मेरिट पे उसकी काबिलियत पर नौकरी दी जाएगी, लेकिन यहाँ नौकरियां किसको मिल रही हैं, अपने रिश्तेदारों को। अंधा जो है वो अपने ही बीच में रेवड़ियां बांटे जा रहा है, और वो कॉम्पिटेंट लड़के, वो कॉम्पिटेंट बच्चियां जो आम मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हैं, जिनके माँ बाप ने न जाने कैसे उनकी फीसें भर के उनको पढ़ाया है, इनको लिखाया, वो बेरोजगार होकर फिर रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जितना बेरोजगार है उसको जो है वो भर्ती दी जा रही है, और इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ का कोई बेरोजगार जो है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। ये अलहदा बात है कि स्टेट बैंक कहे कि इस मुल्क में 1,20,00,000 लोग जो है वो बेरोजगार हो गए इस इमरान खान की हुकूमत के अंदर। तो ये है वो मुनाफ़कत के चेहरे जो ये इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, लेकिन इन वोट चोरों का यौम हिसाब बहुत करीब है। मैंने ये दोनों ज़िमनी इंतखाबात बहुत क्लोजली देखे हैं, यकीन मानिए ये ज़िमनी इंतखाबात का रंग ही नहीं था जो इन हलकों के अंदर था। और नौशहरा के अंदर जब इख्तियार वली साहब ने इनके नाक के नीचे से सीट खींच ली, अच्छा ये बड़ी अजीब बात है, इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं, वो खंबे को खड़ा कर दें, पिशावर में वो जीत जाते हैं और जहां वो हार जाए वहां पर वो किसी और की वजह से हार जाते हैं। ये तमाशा, ये ड्रामेबाजी कहीं और कीजिएगा। इमरान खान की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर लोग डिससेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं, और ये वोट चोर जिस तरह आए थे, इन वोट चोरों को उसी तरह जाना है। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर ये जोशो खरोश मैंने कभी नहीं देखा, जनरल इलेक्शन के अंदर ये रंग नहीं होता जो इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर था, क्योंकि लोग अपने वोट का हक पहचान चुके हैं, लोग इन वोट चोरों को पहचान चुके हैं, और वो अपनी वोट की पर्ची से घर भेजना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी इन वोट चोरों को इनकी हैसियत पता चल जाएगी। आपने दो अहम शख्सियात की फैमिली की बात की है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपनी जो बेटी है उनको 19वें ग्रेड में रेगुलर नौकरी दी है, दूसरा आपने पट्टू खातून जो है उनके बारे में कहा कि हायर एजुकेशन में, क्या आप समझती हैं कि वो उनका ये मौकफ है कि सिर्फ यही काबिल है इन सीटों के लिए? जी बिल्कुल, आप किसी के पास डिग्री नहीं है, आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, पर पूरा पाकिस्तान अनपढ़ नलायक और ना अहल है, सिर्फ ये जो तहरीक इंसाफ के जो वुजरा कराम हैं और बड़ी फैमिलीज हैं सिर्फ उनके लोग पढ़े लिखे और अहल है, बाकी पूरी कौम नालायक है और नाअहल है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती कि वो, और फिर ये बार बार आपको बात है उसी सियासत नहीं, इमरान खान के देखे ना आगे पीछे कोई नहीं, वो किसी को नहीं, इमरान खान किसी अपनी एटीएम को और अपने लोगों को जो है किसी को भी नहीं वो छोड़ेगा, वो सबको इंशाल्लाह ताला जो है वो अपने नए पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उनको नौकरियां मिलेंगी। गरीब आदमी, गरीब बच्चे, गरीब लड़कियां जो है वो रोते ही रहते हैं। कि आपने 20 लोगों की बात की कि फिरदौस आशिक अहमद लेकर गई थी, तो इस हवाले से कोई सबूत सामने लेकर आई है नून लीग की, कौन से किस जगह पर लेकर गए उन 20 लोगों को फिरदौस आशिक अहमद? जी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मैं ये भी बता दूँ कि मुझे भी कुछ लोगों ने फोन और मैसेजेस किए, और अपना नाम की शर्त ना बताने पर, जाहिर है हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना हर आम आदमी के बस की बात नहीं, और मुझे भी उन्होंने बहुत सारे शवाहद जो है, रात को भी मुझे मैसेज आया, मुझे उन्होंने फुटेजेस जो हैं वो भेजने की जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया, आज वो फुटेजेस भी उनसे ली जाएंगी। मुख्तलिफ और जगहों से हम पर मुख्तलिफ लीडर्स को हमारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी है, हमने आज अपने फॉर्म 45 भी जो हमारे पास मौजूद थे जिसके अंदर फजिंग की गई है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर आज जमा भी करा दिए हैं, और इलेक्शन कमीशन मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि कानून के मुताबिक फैसला देगा, और NA-75 के अंदर रीपोलिंग के अलावा और कोई हल और चाराकार नहीं है, क्योंकि बात सिर्फ 23 हलकों की नहीं है, बाकी जो पूरे डस्के के अंदर लोगों को हजारों की तादाद में वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई, ये सबसे बड़ी रियासती दहशतगर्दी और गुंडागर्दी थी, उन लोगों को उनके वोट का हक इस्तेमाल करने देना चाहिए। एक तरफ आप कर रही है ये दांदली ज़दा है, दांदली ज़दा सिलेक्टेड लोग है, फिर आप इलेक्शन में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? देखिए इनको बड़ा आसान है, इनको रास्ता देकर, इनको इनको खाली मैदान देकर इनको दंदनाने की इजाज़त दी जाए। अगर हम इलेक्शन में हिस्सा ना लेते तो जो जिस तरह ये एक्सपोज हुए हैं, और 2018 का जो हमारा वोट चोरी का नैरेटिव था वो जिस तरह से उसके ऊपर उन्होंने मुहर सब्त की है वो ना हो पाती, और इसीलिए मैदान में रहना असेंबली में जाना चाहती हूँ। आपका यही सवाल? जी नहीं, मेरा ये जवाब नहीं है, जो मैंने कहा मैं दोबारा कह देती हूँ
मेरा ये है कि हमें इनको एक्सपोज करने के लिए जब तक पार्टी और पीडीएम फैसला नहीं करती, हमें असेंबलियों के अंदर रहकर इनको एक्सपोज करना है। और जिस दिन पीडीएम ने फैसला किया, एक मिनट नहीं लगाएंगे इन हाउसेस से बाहर आते हुए। मैडम, इलेक्शन दस्ता के इलेक्शन में एक मिनट, मैडम दस्ता में भी यही कहा गया कि नून लीग प्रोफेशनल वोट चोर जो वो लेकर आई थी और उन्होंने ये वोट है वो चोरी की। देखिए दोनों का मसला देख नहीं, नहीं नहीं कमाल करते हैं आप, ये अजीब बात है। मतलब लियाकत खटक साहब को पूछे ना, वो सूबाई वजीर थे बैठे हुए। भाई सूबाई वजीर मेरा नहीं था, सूबाई वजीर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का था। और जो है वो खुद कह रहे हैं कि इमरान खान की कारकर्दगी की वजह से हम हारे हैं। और ये अजीब बात है ना, जैसे मैंने कहा कि जीत जाए तो इमरान खान की वजह से जीते हैं और अगर हार जाए तो नहीं 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 वो किसी और का वो है, इमरान खान तो है जो वो बहुत ही पार्स है और आसमान से उतरा हुआ, ऐसे होता नहीं है। इमरान खान के ऊपर डिससेटिस्फेक्शन शो की है पूरे पाकिस्तान ने, चारों सूबों ने, जहां जहां इलेक्शन हुआ है इमरान खान की कारकर्दगी के ऊपर लोगों ने जो है वो अपनी अदम एतमाद का इजहार किया है। और इससे ज्यादा शर्म का मुकाम इमरान खान के लिए होना नहीं चाहिए कि वो कहता था मुझे चंद लोग कहेंगे मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसको जगह जगह लोग कह रहे हैं कि जाओ हमारी जान छोड़ो, लेकिन वो जान छोड़ने के लिए क्या इलेक्शन में वो आपका किला है मुस्लिम लीग नून का। इमरान खान ने महंगाई भी बहुत की है, कोई तरक्याती काम नहीं की है, आवाम की चीखें निकल रही हैं, उसके बावजूद इलेक्शन में उसका ग्राफ बढ़ गया है, आपका ग्राफ घटा। क्या आवाम ने नवाज शरीफ पे भी अदम एतमाद किया हुआ है? देखिए मैं दोबारा, मेरा ख्याल है आपको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं ही नहीं समझा पाई होंगी। मेरे प्यारे भाई, डस्का में लोगों को वोट ही पोल नहीं करने दिया गया। अगर आप वहाँ मौजूद नहीं थे तो बहुत सारा मीडिया वहाँ मौजूद था। 5-5 घंटे डस्का शहर के अंदर 70% ऑफ द पोलिंग स्टेशन बंद थे। और अब तो हम वो फुटेजेस भी सामने लेके आए हैं जिसके अंदर हजारों की तादाद में लोग बाहर खड़े हैं और वो कह रहे हैं दरवाजा खोलो हमें वोट डालना है, उनको वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई। हमारे वोट तो डले ही नहीं भाई, मैं यही तो कह रही हूँ, जो चंद वोट डले उनमें भी हम ज्यादा हैं और जो मेजोरिटी है वो वोट डल ही नहीं सके। और यही हमारा केस है कि जो हजारों की तादाद में लोगों को वोट पोल नहीं कर, यही ये इनका प्लान ये था कि डस्का शहर के अंदर पोलिंग को रोको और बाहर शहरों के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर उठा के इलेक्शन रिजल्ट चेंज करके हम मैनेज कर ले। लेकिन सारी प्लानिंग से बड़ा एक ऊपर प्लानर बैठा है और वो प्लानर जो है वो फिर सारी प्लानिंग जो है वो सबोताज कर देता है और वो नहीं हो सकता। ये बताइएगा कि मरियम नवाज के हवाले से बता दें कि उन्होंने सर्जरी के लिए जाना है, किस चीज की सर्जरी करवाने जाना है उन्होंने लंदन में? जो देखिए ये वो कहीं नहीं जा रहे, वो कहीं नहीं जा रहे, नहीं जा रही। हाँ वो सर्जरी जब वो जाएंगी तो आपको बता देंगे। ये इसकी मेरा ख्याल है इस वक्त इसको बताने की इतनी अहमियत इसलिए नहीं है। और वो नहीं जा रही हैं, वो 10 दफा कह चुकी हैं, ये हुकूमत हाथ जोड़ेगी अब और वो नहीं जाएंगी, ये याद रखिएगा। ये बताइएगा कि सिविल इंतजामिया जो है वो इलेक्शन करवा नहीं सकती, लोगों के कत्लोगार्द भी हुई है इसमें, ये दोनों पार्टियां, आप दोनों पार्टियां इसमें जिम्मेदार है, तरीके इंसाफ है या नून लीग है? सिविल इंतजामिया जो है वो इलेक्शन करवा नहीं सकी आपके मुताबिक, किस तरह? तो फौज के ऊपर आप बार बार तनकीद करते हैं, जो आने वाले जो इलेक्शन है वो फिर किस तरह हो गए? हर इलेक्शन में दो दो चार चार लोग जो है वो उनका कत्ल होगा। देखिए बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये जो जनरल इलेक्शन की अगर हम बात करें तो जनरल इलेक्शन जो है वो इंटरिम सेटअप के अंडर होता है और जनरल इलेक्शन से पहले हमें इंतखाबी इस्लाहात के लिए जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। लेकिन हर मसले का हल भाई फौज पोलिंग स्टेशन में घुसा के नहीं होता और वो नहीं हो सकता। आरओ ने अभी स्टेटमेंट दिया इलेक्शन कमीशन ने कि नून लीग के उम्मीदवार ने 18 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट दिया, क्या आप समझते हैं कि उम्मीदवार को रिजल्ट देने की इजाजत है या कोई कानूनी पहलू है वो आरओ को वो रिजल्ट दे 18 पोलिंग स्टेशन का? जी हमें हमारे बिल्कुल है और उसकी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। उसकी वजह ये है कि हमारे पोलिंग एजेंट्स ने हमें वो व्हाट्सएप कर दिए थे रिजल्ट और वो रिजल्ट्स हम तक पहुँच गए थे, हमारे व्हाट्सएप में वो आज भी मौजूद हैं। अब वो रिजल्ट्स हमारे पोलिंग एजेंट्स को दे के भेज दिया गया, उसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो उठा लिए गए, उनको स्पेशल ब्रांच की गाड़ियों में डाला गया और फार्म हाउस पर ले गए जो मैंने कहा। तो वो रिजल्ट्स हमारे पास लकीली, जैसे मैंने कहा कि एक प्लानर ऊपर बैठा है जिसको अल्लाह ताला कहते हैं और उन्होंने वो हम उनसे गलती ये हो गई कि वो पोलिंग एजेंट्स को चाहते, अगर उनसे फॉर्म 45 वो हम तक ना पहुंच पाते तो शायद इनकी गेम मुकम्मल हो जाती। सो वो नहीं हो सका। सो वो रिजल्ट्स व्हाट्सएप के जरिए हम तक मौजूद थे जो हमने पोलिंग अपने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जमा करा दिए हैं कि ये हैं वो रिजल्ट्स जो पहले हमें दिए गए थे इसके अंदर। और मज़े की बात यह है कि हर एक फिगर के आगे 1 लगा दिया गया है, हर फिगर के अंदर 1000 का जो है वो ऐड कर दिया। सिंपल बात यही थी ना, 643 है तो 1643 कर दें तो मसला हल हो जाएगा, 1000 वोट पड़ गया। और ये होता नहीं है। और मजे की बात यह है कि पूरे जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में
30% 35% पोलिंग हुई है और उन 20 जो हमारे शिमाली इलाका जात की सैर को गए थे प्रिजाइडिंग अफसर, उनके इलाके में जो है वो 70% से ऊपर पोलिंग हुई है। धुंध का पता लगा कहां से आई थी, कहां चली गई? धुंध थी जी, धुंध थी और अंधाधुंध थी और उसमें इलेक्शन भी अंधाधुंध चोरी हुआ है। मैडम 20 हलकों में कह रहे हैं इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन की दरख्वास्त दो अपने कैंडिडेट को, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? इमरान खान साहब तो जी वो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और ये आपको याद है पहले कह रहे थे ये भी नहीं है, हुआ ही नहीं। आप इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करें, हम 20 पे आ गए हैं, इंशाल्लाह ताला ये पूरे इलेक्शन पे भी आएंगे, आप देखते जाइए। YouTube पर गूगली टीवी देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।